बड़ी खबर आपको बता दें कोरोना से जुड़ी हुई, जहां पर दुनिया के लिए सबसे एक अच्छी खबर कोरोना को लेकर मिल रही है। दरअसल कहा जा रहा है कि 15 अगस्त को पहली कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। तो भारत बायोटेक के साथ आईसीएमआर की ये तैयारी पूरी कर ली गई है और कहा जा रहा है कि 15 अगस्त तक जो पहली वैक्सीन है कोरोना को लेकर वो शायद सामने आ जाए। तो एक अपने आप में ही बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जब से कोरोना महामारी आई है देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं वो सभी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कोरोना की वैक्सीन को जल्द से जल्द यहां पर बना लिया जाए, क्योंकि जितना नुकसान यहां पर हुआ है, चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर कह ले, चाहे लोगों को लेकर कह ले, जितना नुकसान हर एक देश को यहां पर इस कोरोना के चलते भुगतना पड़ा है उसको लेकर अब जल्द से जल्द ये कोशिशें और कोशिशें कहीं ना कहीं रंग लाती हुई नजर आ रही है। फरा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गई है। फरा, क्या जानकारी, क्या 15 अगस्त तक वैक्सीन आ सकती है? जी ऋतु, आईसीएमआर 15 अगस्त तक भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन लाने की योजना जो है वो पूरी कर रहा है और 15 अगस्त तक जो है वो आ जाएगी। इसकी जो 7 जुलाई के बाद इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू होना है और पूरी कोशिश यही है कि 15 अगस्त तक इसको लॉन्च कर दिया जाए। सभी ट्रायल सही होते हैं तो 15 अगस्त तक को वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। ये सबसे पहली वैक्सीन होगी जो मार्केट में आ सकती है, तो इसके जो ट्रायल होने अगर वो सारे सही साबित होते हैं तो इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। फरा, क्योंकि इससे पहले रामदेव बाबा की जो कोरोना लाई थी उसको लेकर भी कहा जा रहा था और उसको लेकर कहा गया था कि जो मापदंड हैं उनको क्लियर नहीं किया गया, तो क्या कहा जा सकता है जिस अब दवा का जिक्र हो रहा है, जिस वैक्सीन का जिक्र हो रहा है वो तमाम जो स्टेजेस हैं उसको क्लियर कर रही है अपने आप में? जी देखिए ऋतु, जब बाबा रामदेव की वैक्सीन आई तो उसको क्लियर कहा गया कि पहले उसका ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद ही पुष्टि हो सकती है कि वो काम कर रही है। तो यहाँ भी सेम चीज है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि 7 जुलाई के बाद इसके सारे ट्रायल होने, अगर ये सही साबित होगी तभी ये लॉन्च की जाएगी और मार्केट में आएगी। तो ऐसे दावा नहीं कर दिया जाएगा जैसे बाबा रामदेव के साथ हुआ। जी, पूरा ट्रायल लिया जाएगा और उसके बाद अगर ट्रायल पूरा होता है तभी इसको लॉन्च किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद आपका फरा हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बहुत अच्छी खबर दुनिया के लिए, कोरोना की वैक्सीन जल्द आ सकती है।